एकदम आवाज आई तो बहर भज के वेख्या मैं इधर उधर लभ्या पहलों मुंडे ने चीकां मारियां बाहर निकल के अंदर जाके वेख्या तो थले दबे पे ही कहते ने कि होनी नू कोई टाल नहीं सकता ते इसे होनी ने जान लई अमृतसर दे एक नव व्याहे जोड़े दी। जी हाँ बीती रात अमृतसर दे पिंड ढपई विच तूफान आउण दे कारण घर दी छत डिग गई ते घर दी छत हेठ आ के नव व्याहे जोड़े दी मौत हो गई। जानकारी मुताबिक इस नव व्याहे जोड़े दे व्याह नू हले साल कु होया सी पर बीती रात चली तेज हवा कारण गुआंढियां दी कंध इस घर दी छत उत्ते डिग गई ते घर दी छत भी थले डिग गई जिस कारण इस परिवार दे दोनों जीआं दी मौत हो गई। मौके उत्ते पहुंचे पिंड वालियां ने दस्या कि रात करीब 11 बजे तेज हनेरी कारण कंध डिग गई सी जिस तों बाद बहुत मुश्किल दे नाल इन्हां दोनों जीआं नूं मलबा चुक के बाहर कढ़िया गया ते इह दोवें मृतक हालत विच पाए गए। दस दईए कि इस तों पहलां भी अमृतसर दे ढपई रोड नज़दीक एक स्कूल दी कंध डिगण दे नाल दो लोकां दी मौत होई सी। रात साढ़े 11 बजे बदल कड़किया नूरी चल रही गुआढ़िया की कंध डिगी कोठे से कोठा थले जा गया इस करके नपी गए। देखा कि सबनों पहले मैं देखा कि आ गए मैं बाहर भजा मैं समझ नहीं लगी कुछ मैं आंढ गुआढ़ सारे बूहे खड़काए सारे छत कुछ नहीं है डिगी साडी छत छत सारे थले पै गए। किन्ने जने सी जी? किन्ने जने सी जी? बदल थोड़ा जा गड़किया वा एकदम आवाज आई तो बाहर भज के वेख्या मैं इधर उधर लभ्या पहलों मुंडे ने चीकां मारियां बाहर निकल के अंदर जाके वेख्या तो थले दबे पे ही 15-20 मुंडे लगे बड़ी मुश्किल उन्हें बाहर कढ़िया बेचारे ने चलो बचा नहीं होया हुआ। जिन्हें डैथ हुई कि उम्र ही इन्होंने उम्र है 32-33 साल की उम्र है अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।